तो फिर हेलो मेरे भाइयों और उनकी सेटिंग हो यार, मेरी भी बन जाओ। देखो मेरे पास ये वाली मक्लेरन है। तो भाई लोग देखो, अगर आपको C2S4 में कॉन्क्रीट जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ। एक महान इंसान ने टिप्स बताई है और आपको पता है वो महान इंसान सिर्फ मैं ही होता हूँ। तो भाई लोग देखो, वो टिप्स ये है कि अगर आपको कॉन्क्रीट जाना है तो आपको खेलना पड़ेगा और खेलने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होने वाला है कि ना आपको एंड तक कितने स्टार पर ब्राउन्स मिलेगा। अब नहीं ब्राउन्स पे नहीं यार, मेरी भावना को समझो। अब नहीं नहीं अब सालों भावना को मत समझ लेना। साला एक ही सेटिंग बनी है, उसको भी तुम चुरा लोगे। नहीं नहीं तो मेरी भावना को नहीं, मेरी फीलिंग को समझना। देन भाई लोग आप स्क्रीन में देख सकते हो, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई मेरा खड़ा नहीं हो रहा है। अब भाई तेरा खड़ा नहीं हो रहा है तो मैं खड़ा करवाने आ जाऊं क्या यार। देन भाई लोग आप सबसे निवेदन है कि इन भाई के लिए ना थोड़ी सी हेल्प जरूर करना। आपके आसपास में कोई भी कुतिया भैंसिया जो भी मिले तो भाई इन भाई से संपर्क जरूर करना है, क्योंकि इन भाई को खड़ा करना है। या फिर आप में से किसी को भी ये वाली कला आती है ना, खड़ा करने वाली कला, तो इन भाई को जरूर कॉन्टेक्ट करना। और भाई लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं देखोगे तो आपको पता है मैं हमेशा दिखा देता हूँ। अबे सालो गेम प्ले दिखा देता हूँ। इसलिए भाई लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट भाई लोग आज के वीडियो में आपको कोई गेम प्ले नहीं दिखा रहा हूँ, ये सिंपल सी बकचोदी हो रही है। पता नहीं कौन सा एक नया स्पाइडर मोन वाला मोड आया है। तो भाई लोग इसी बात पर यार, एक शायरी तो बनती है, फिर देवी और सजनो आपके सामने ये री शायरी। स्पाइडर मैन तूने चुराए मेरे दिल के चैन। वाह 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 क्या बात है। आपको अब लग रहा होगा कि मैं तो यार गलत जगह पे आ गया, मेरे को तो शायर बनना चाहिए, क्या ही मैं शायरी बोलता हूँ। नहीं तो भाई लोग अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो भाई लोग देखो मेरे को दिल से बोलने में ये बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है कि आप गलत हो फिर। तो भाई लोग अब बात रही आपके लिए सबसे बेस्ट मैप कौन सा है C2S4 में कॉन्कर पुश के लिए। तो भाई लोग सिंपल सी एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि एरेंगल इज बेस्ट, बाकी सब है टाइम वेस्ट। अब भाई लोग टाइम वेस्ट है, देन भाई लोग आप समझ चुके होंगे कि एरेंगल के अलावा बाकी कोई भी मैप बेस्ट नहीं है। बिकॉज एरेंगल में सबसे ज्यादा प्लस मिलते हैं, सबसे बेस्ट मैप होता है, खेलने में इजी रहता है। एंड भाई लोग सबसे ज्यादा जो प्लस मिलता है वो भाई लोग एरेंगल में ही मिलता है। देन भाई लोग हो सके तो आप सिर्फ एरेंगल खेलना। अगर साउथ तो आप स्टार्टिंग में लिबिक खेल सकते हो, लेकिन उसमें आपको इतना प्लस नहीं मिलेगा। आपको 7 दिनों में कॉन्करर जाना है, कम से कम 100 गेम में कॉन्करर पुश करना है अगर आप प्लेटिनियम पे हो तो। आराम से हो जाएगा, आराम से खेलना। देन भाई लोग अब बात रही उस कैटेगरी की, जिस कैटेगरी में भाई लोग मैं खुद आता हूँ कि एंड तक आपको कितने स्टार तक कॉन्करर का टाइटल मिलेगा। तो भाई लोग देखो यहाँ पे आप मान के चलो ना, एंड तक 5000 पॉइंट मान के चलो, सोलो में पुश कर रहे हो, डो में पुश कर रहे हो। लेकिन भाई लोग FPP में मान के चलो इसका 1 या 2 स्टार तक लग सकता है एंड तक। लेकिन भाई लोग अगर आप सोलो डो में पुश कर रहे हो TPP में, तो भाई लोग 100% 5000 पॉइंट तक जाएगा। अब देखो 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेरे को तो 5000 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। बिकॉज इस बार बंदों के बहुत ज़्यादा माइनस भर भर के लगने वाले हैं। लेकिन भाई लोग अपने जो सब्सक्राइबर हैं ना, उनके माइनस नहीं लगेंगे, बिकॉज उनके लिए जो ही टिप्स आने वाली ना, वो एक नेक्स्ट लेवल है। और भाई लोग अभी जो ही आपको पता है कि स्पाइडर मोन, अब मोन बोलो स्पाइडर मैन बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो ये जो इवेंट है बहुत खतरनाक है। बंदे जो ही कैंपिंग करने वाले, आपको पता है किस लेवल की कैंपिंग होगी। लेकिन आपके पास ना कोई कवर नहीं होगा, कोई शील्ड का कवर नहीं है, कुछ भी कवर नहीं है। देन आप सोच लो कि आपको किस लेवल के अगर हैकर सामने आ गए ना, तो किस लेवल के माइनस पड़ सकते हैं। बिकॉज आपके पास में शील्ड का कवर नहीं होगा, तो कहीं पे भी अगर आप ओपन में फंस गए तो वहाँ पे आप शील्ड नहीं बना पाओगे। देन आपकी PAT बनना कन्फर्म है। अगर आप सोलो में खेल रहे हो तब तो भाई लोग सोलो में तो इतना भी नहीं जाएगा, सोलो में तो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। डुओ में तो एटलीस्ट रिवाइव तो मिल जाता है, लेकिन भाई लोग डुओ में एक सिंपल सा एक फ़ायदा है। तो भाई लोग यहाँ पे देखो फ़ायदा क्या है डुओ में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डुओ में अगर आप एक बार मर गए तो आपका टीममेट आपको वापस बुला सकता है, लेकिन भाई लोग सोलो में ऐसा नहीं होने वाला है। देन डुओ में एक अच्छा खासा एडवांटेज भी मिला हुआ है कि अगर आप एक बार मर जाते हो ना, तो आप दोबारा वापस बुलाए जा सकते हो। देन भाई लोग ये वाली जो ट्रिक है ना, ये वाली सोलो में यूज नहीं हो पाएगी, आप दोबारा सोलो में नहीं बुला सकते खुद को। देन भाई लोग यहाँ पर सोलो में एक बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है, जो मेरे सब्सक्राइबर सोलो में पुश करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। तो भाई लोग अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, इस बात को आप ध्यान से सुनना। आप भाई लोग देखो आपके जस्ट नीचे राइट हैंड में जस्ट नीचे, अबे सालो नीचे मत देखो, तुम नीचे कहाँ देखने लगे, अबे सालो उल्टी खोपड़ी हो, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे फोन में बात करो, तुम कुछ और देखने लग गए सालों। कितनी गंदी सोच यार तुम्हारी, वो छोड़ो। तुम्हारे जस्ट देखो फोन में एक रेड कलर का बटन होगा जहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब। अब भाई लोग उस लाल कलर के बटन को या तो तुम काला करो या फिर सफेद करो, लेकिन लाल मत रहने देना। कुछ भी करो, काला करो सफेद करो, लेकिन लाल मत रहने देना, तुम्हारे सेटिंग की सालों कसम है।
देन भाई लोग एक भाई ने कमेंट किया था कि सबसे ज़्यादा आपको हैकर कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सोलो डो स्क्वाड। देन भाई लोग बात की जाए सबसे ज़्यादा हैकरों की, तो भाई लोग सबसे ज़्यादा हैकर आपको देखने को मिलेंगे डो में, उसके बाद सोलो और भाई लोग उसके बाद स्क्वाड। देन इस बात को भी आपको ध्यान में रख के खेलना है। अब भाई लोग बात रही सबसे ज़्यादा प्लस की, तो भाई लोग अगर आप रैंक पुश करते हो तो आपको पता है स्क्वाड में तो सबसे ज़्यादा प्लस मिलेगा आज तक, लेकिन धीरे धीरे स्क्वाड में कम हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोलो और डो में सबसे ज़्यादा प्लस कहाँ पर मिलता है, तो भाई लोग सबसे ज़्यादा प्लस मिलेगा सोलो में, उसके बाद भाई लोग प्लस मिलता है डो में कम, मतलब कि सोलो में अच्छा प्लस मिलता है कंपेयर डो के। तो भाई लोग ये भी एक अच्छा खासा फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। देन भाई लोग एक भाई का ये भी कमेंट था कि क्या सही में आपको सोलो और डो में एंड तक एज पर आपको कॉन्करर का टाइटल मिल जाएगा, तो भाई लोग देखो इसका आंसर है जी हाँ भाई लोग, आपको आराम से 5 या फिर 6 दिनों के अंदर एज पर या फिर 7 दिनों में एज पर कुछ ऊपर नीचे पॉइंट हो सकते हैं। मान के चलो 50 पॉइंट ऊपर जा सकता है, लेकिन भाई लोग आपको टारगेट रखना है 7 दिनों में एज अगर आपको लगा लेते हो तो मान के चलो कि 100% आपको कॉन्करर का टाइटल मिल चुका है, तो भाई लोग ये आपको टारगेट लेके खेलना है। लेकिन भाई लोग बात रही स्क्वाड में, देखो 7 दिनों में स्क्वाड में बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है, मान के चलो 4500 पॉइंट तक जा सकता है या फिर इससे आगे भी जा सकता है, लेकिन इससे कम तो नहीं रहेगा 100% है। देन भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर रखा हो।